हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो के अंदर। तो दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए सैमसंग का गैलेक्सी A03 कोर। दोस्तों तो दोस्तों आज करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग और दोस्तों इसके क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, कितनी प्राइस में दोस्तों ये आपको मिलने वाला है, सारी चीजें बताने वाला हूँ दोस्तों इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों मेरा नाम है शेरू और स्वागत है आपका टेक्नर में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये है सैमसंग का लेटेस्ट लॉन्च होने वाला गैलेक्सी A03 कोर। तो यहाँ लिखा मिल जाता हमारे को गैलेक्सी A03 कोर, नीचे लिखा मिल जाता हमारे को सैमसंग, साइड में लिखा मिल जाता गैलेक्सी A03 कोर, पीछे की तरफ लिखे हुए थोड़े से छोटे छोटे स्पेसिफिकेशन थे। यहाँ मिलती है इसके अंदर हमारे को इन्फिनिटी वी डिस्प्ले, यानी कि PLS डिस्प्ले मिलती है, यानी कि इन्फिनिटी डिस्प्ले भी नहीं मिलती है। यहाँ मिलती है हमारे को HD डिस्प्ले, 5000mAh की मिलती है बैटरी। यहाँ लिखा हुआ मिल जाता है मेड इन इंडिया, नॉट फॉर मेड इन चाइना। बॉक्स को कर लेते हैं एक बारी ओपन। तो यहाँ मैंने बॉक्स को ओपन कर लिया है, यहाँ देखते हैं कवर मिलता है नहीं मिलता है। तो यहाँ मिलती है हमारे को एक सिम ट्रे को इंजेक्ट करने के लिए पिन, देखते हैं इसके साथ हमारे को क्या क्या मिलता है। अंदर मिल जाती है दो कैटलॉग, रीजनल गाइड और कुछ इसके स्पेसिफिकेशन। तो इसको रख देते हैं साइड में। ये है हमारा गैलेक्सी A03 कोर, इसको देखेंगे बाद में। ओहो, यहाँ कंपनी ने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी। यहाँ मिलती है हमारे को माइक्रो USB वाली चार्जिंग केबल, नॉट सी टाइप, माइक्रो USB चार्जिंग केबल। यहाँ मिलता है हमारे को एक सैमसंग का बड़ा ही ज़बरदस्त 1.5 एम्पियर का फास्ट अडप्टर, फास्ट भी नहीं है लो भी नहीं है, मीडियम है। लिखा मिल जाता हमारे को यहाँ सैमसंग। इसके साथ बाकी कुछ ही नहीं मिलता, कवर कंपनी ने बंद कर ही दिए, एयरफोन बंद कर ही दिए। इसको रख देते साइड में। यहाँ से हटा लेते हैं थैली को। इसमें फ्रेंड्स फोन का पूरा सेटअप कर लिया। अब करते हैं फोन के स्पेसिफिकेशन और फोन के कलर के बारे में बात, कि फोन के अंदर हमारे को कौन कौन से कलर देखने के लिए मिलते हैं। तो फोन में कलर मिलेंगे हमारे को दो, एक कलर मिलेगा ये ब्लू कलर है जो बड़ा ही शानदार लग रहा है, एक मिलेगा ब्लैक। दोनों ही कलर मेरे को अच्छे लगे सैमसंग के A03 और सैमसंग के A12 से। यहाँ जो बैक पैनल है इसके अंदर हल्की हल्की सी खुरदरापना दिया है, हल्की हल्की सी लाइनिंग दी है, मैट के अंदर ये दिया है तो थोड़ा सा पकड़ हाथ में आपके अच्छी रहेगी। यहाँ लिखा मिल जाता नीचे हमारे को सैमसंग। जो ऊपर की तरफ कैमरे की डिजाइन थी वो थोड़ी सी बड़ी दी है, यानी कि हल्का सा कैमरे का जो ग्लास है वो थोड़ा सा बड़ा है। यदि इसके अंदर ड्यूल कैमरा कर देते और ही ज़बरदस्त लगता दोस्तों। बैक पैनल मिलता हमारे को प्लास्टिक के अंदर और ये मिलता फोर कॉर्नर, यहाँ से फ्लैट कर दिया फिर उसको मोल्ड कर दिया, यूँ फ्लैट करके फिर मोल्ड कर दिया। अब करते हैं साइड की बात। तो यहाँ मिलता ऊपर की तरफ वॉल्यूम रोकर बटन, उसी के बाद मिलता पावर बटन। नीचे की बात करते हैं यहाँ मिलती है स्पीकर के लिए ग्रिल, उसी के बाद मिलता माइक्रो USB वाला चार्जिंग पोर्ट और हमारा सबसे प्यारा एयरफोन का जैक 3.5 mm वाला। यहाँ मिलता हमारे को ड्यूल सिम और SD कार्ड का सपोर्ट, यानी कि दो सिम और माइक्रो SD कार्ड लगा सकते हैं, सेकेंडरी माइक्रोफोन नहीं मिलता दोस्तों। कैमरे की बात करते हैं तो पीछे का कैमरा मिलता हमारे को 8 MP का। कैमरे के पास में हल्की हल्की सी थोड़ी सी लाइनिंग बड़ी सी दी हुई है जो हल्की सी शाइनिंग वाली जो आप बिल्कुल मस्त लग रही दोस्तों। अब करते हैं फ्रंट कैमरे की बात। तो फ्रंट कैमरा मिलता है दोस्तों 5 MP का। डिस्प्ले की साइज की बात करते हैं तो डिस्प्ले का साइज मिलता हमारे को 6.5 इंचीज। एंड्रॉइड वर्जन की बात करते हैं तो एंड्रॉइड वर्जन मिलता है इसके अंदर हमारे को एंड्रॉइड 11 गो एडिशन, यानी कि इसके अंदर लाइट एप्लीकेशन चलेगी। जो सैमसंग के 6000 की रेंज के अंदर फोन आते थे वो वाले एप्लीकेशन इसके अंदर हमारे को गो एडिशन देखने के लिए मिलता है। प्रोसेसर की बात करते हैं यूनिसो का प्रोसेसर मिलता है SC9863A 28mm का दोस्तों। इसके अंदर हमारे को मिलती है 5000mAh की बैटरी। HD डिस्प्ले मिल जाती है तो इसके अंदर यहाँ जो डिस्प्ले है सैमसंग के A03S और सैमसंग के A12 से मेरे को बेस्ट लगी, यानी कि इसकी जो ब्राइटनेस और जो दोस्तों इसकी डिस्प्ले की क्वालिटी वो मेरे को ज़्यादा अच्छी लगी उन दोनों फोनों से। तो इसकी जो कैमरे की क्वालिटी है वो भी थोड़ी सी मेरे को ऐसा लगता है कि अच्छी आएगी दोस्तों। इसके अंदर एक कमी है वो है दोस्तों चार्जर, क्योंकि 5000mAh की बैटरी मिलती है तो यहाँ थोड़ा सा चार्जर हमारे को थोड़ा सा फास्ट कंपनी को देना चाहिए, यानी कि 1.5 एम्पियर की जगह 2 एम्पियर का चार्जर देना चाहिए तो फोन थोड़ा सा जल्दी चार्ज हो जाता। फोन के वेट की बात करते हैं तो फोन का वेट मिलता है 211 ग्राम, यानी कि थोड़ा सा फोन का वेट ज़्यादा है दोस्तों। अब करते हैं इससे पिक, दो चार खींच के देखते हैं कि इसकी पिक्चर क्वालिटी कैसी है। फ्रेंड्स इससे मैंने 2-3 पिक ले के देखिए, मेरे को कैमरा ज़्यादा ना बेस्ट लगा ना ज़्यादा दोस्तों खराब लगा, यानी कि ठीक ठाक मीडियम रेंज का कैमरा है। 8000 की रेंज में इसका फोन का जो कैमरा है वो बेस्ट है दोस्तों। अब करते हैं दोस्तों इसके जो अंदर कमी है वो है दोस्तों फिल्टर,
नहीं दिए गए, यानी कि फिल्टर देखने के लिए नहीं मिलते, तो थोड़ी सी एक चीज़ की मेरे को यहाँ कमी लगी। बाकी बेस्ट है 8000 की रेंज में दोस्तों ये फोन। तो दोस्तों एक वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों करना ना भूलना, और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना कि आपको सैमसंग का गैलेक्सी A03 कोर मोबाइल कैसा लगा। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।